Hey guys, welcome back to my channel. So today we're gonna discuss the trick to learn type of crystal system. So this is the topic of class 12, chapter 1, solid chemistry. तो जब भी आप ये chapter पढ़ते होगे ना तो आपने ज़रूर अपनी NCERT की book में ये table देखी होगी. But confusion ये रहती है कि इसे याद कैसे करें. So today I'm gonna give you the trick to remember it. Okay, the trick is see term there. Simple है, see term there. So in this, C stand for cubic, in term, T stand for tetrahedral, O stand for orthorhombic, M stand for monoclinic. In there, T stand for triclinic, H stand for hexagonal and R stand for rhombohedral. Okay, अब आपने इस sequence में लिख लिया. Now the question arises that how to learn edge length and interaxial angles. तो अगर आपको edge length याद करनी है तो उसके लिए आप ये चीज़ ध्यान रख लो कि पहले और last वाले का same रहेगा order. पहले और last वाले की जो भी edge length होगी वो same होगी. सेकेंड और सेकेंड लास्ट वाले की सेम होगी और जो बीच के तीन हैं उनकी ये उनकी सेम होगी. ठीक है, तो पहली और लास्ट वाली की याद रख लो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों ही इक्वल है. फिर सेकेंड और सेकेंड लास्ट ही सेम है, तो ए इक्वल टू बी डजेंट इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. तो बस यही है, इसमें ऐसे आपको याद रखना है कि पहला और लास्ट वाली की सेम है एच लेंथ, सेकेंड और सेकेंड लास्ट वाली की सेम है और जो बीच के तीन हैं उनकी एच लेंथ सेम है. लेट्स मूव टू इंटरएक्सियल एंगल्स. अगर हमें इंटरएक्सियल एंगल्स याद रखने हैं तो उसके लिए आप ये याद रख लो कि स्टार्टिंग के तीन का ऑर्डर सेम है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों का सेम है, क्यूबिक का, टेट्राहेड्रल का और ऑर्थोरॉम्बिक का. फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या होता है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. सो नाउ नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. अगर आप ट्राइक्लिनिक को ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ भी इक्वल नहीं होता, कोई एज भी इक्वल नहीं है और ना ही कोई इंटरएक्सियल एंगल इक्वल है. देन इज हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल ना अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री. मोनोक्लिनिक में क्या था, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक का वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन्हें सबसे अच्छे से याद करना. ओके, सो लास्ट वन इज रोम्बोहेड्रल. इसमें क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. तीनों है, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं है. सो दिस इज इट. आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो. इफ यू डू अंडरस्टैंड इट, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.